छतरपुर की गौरीहार थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1,70,000 कीमत की 42 पेटी अवैध शराब को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। गौरीहार पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि चितहरी गांव से बरहा की ओर ऑटो के जरिए अवैध शराब लाई जा रही है और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ऑटो सहित 1,70,000 की कीमत की 42 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। हालांकि आरोपी रविंद्र भरभुजा और उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गए और पुलिस अब उनकी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। गौरीहार थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबंद किया है। मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि चितहरी तरफ से एक ऑटो में रविंद्र भरभुजा नाम का व्यक्ति जो है अपने एक साथी के साथ मिलकर अवैध शराब बिक्री के लिए बरहा गांव तरफ ला रहा है। मुखर सूचना के आधार पर हमारी टीम के साथ जाकर मौके से एक ऑटो जिसमें 42 पेटी अवैध शराब कीमत करीब 1,70,000 पकड़ी गई है। जो दोनों आरोपी हैं पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। NBC न्यूज़ के लिए जिला छतरपुर से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।